दोस्तों सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है जहां सरकारी अस्पताल के हालात बद से बदतर है। आलम ये है कि करोड़ों की लागत से आलीशान भवन तो बन गए लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टर ही यहाँ नहीं हैं। ऐसे में इलाज करने आए मरीजों का इलाज अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ही कर रहे हैं। बता दें वायरल वीडियो एमपी के शहडोल जिले के झिग बिजूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है जहां अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से मरीजों का इलाज सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ही मरीज का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं और पर्ची बना रहे हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड लोगों का कैसे इलाज कर रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही ये वीडियो सामने आया वायरल हो गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगे होने के कारण छत्तीसगढ़ से भी लोग इलाज कराने इसी अस्पताल में आते हैं, लेकिन डॉक्टर ना होने की वजह से उन्हें मजबूरी में वापस लौटना पड़ता है।